ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। जोशीमठ विकास खंड के हेलम मुर्गम मोटर मार्ग अवरुद्ध होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। दरअसल गुरुवार को सुबह 12 बजे हेलम उर्गम मोटर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है। लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क खुलने में अभी समय लग सकता है और विभाग की मशीन भी अभी तक नहीं पहुंची है। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि हेलम उर्गम मोटर मार्ग जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है के अंतर्गत है, एडीबी खंड जो है गोपेश्वर और हेलंग से जो है किलोमीटर 3 से 4 के बीच में जो है कि काफ़ी हिस्सा जो है 2 बैंड टूट गए हैं और रोड की कनेक्टिविटी नहीं होने से जो है यहाँ उर्गम में भी लगभग 200-250 यात्री फंसे हुए हैं और यातायात के साधन लोग यहाँ पर जो भी डुमा कलगोट पल्ला किमाणा और उर्गम वैली के जो है 5-6 ग्राम सभाएँ हैं, सभी के लिए जो है कि मूलभूत सुविधाएँ जो भी सामग्री है उसको लेने में कठिनाई होगी। सरकार को इस पर जल्दी से विचार करना चाहिए और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, इसके लिए भी जो है बड़ी परेशानी हो सकती है। इस रोड के बारे में जो है विचार करना बहुत आवश्यक है। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।